Good evening to all. So welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss and learn about Newton's second law of motion. In first video we will discuss about Newton's first law of motion, which says object which still at rest or in uniform motion which continues its state rather than until an external force acts upon it. In this video, second laws of motion we will study. So let's get started. What the second law of motion says? It says the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the force applied on that body and takes place in the direction of the force. Momentum formula is equal to mv. So P is directly proportional to force in the same direction, in the direction of the force applied. Then so let's get an example. So let's suppose an example. आप एक अपने घर की स्टेयर्स पे खड़े हुए हैं. और फ्रॉम योर बैक साइड आपका एक फ्रेंड आके आपको पुश करता है और आप नीचे गिरने लगते हो. सो जिस मोमेंटम से आप नीचे गिरोगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपके दोस्त ने जितना आपके दोस्त ने फोर्स लगाया आपको नीचे गिराने में, वो प्रोपोर्शनल होगा जितने मोमेंटम से आप नीचे गिर रहे. प्रोपोर्शनल होगा. ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था? प्रोपोर्शनल मीन्स कि एक्स की, जैसे एक्स स्क्वायर है और एक है एक्स क्यूब और हमने एक्स की वैल्यू दे दी 2, तो हमने एक्स की वैल्यू जो दी है उसी के साथ साथ इन दोनों की वैल्यू बढ़ रही है. मतलब ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये. तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 और यहाँ पे 8. सो ये दोनों इक्वल नहीं है पर प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू एक साथ बढ़ी है. इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी. तो आपके दोस्त ने जितना आपको फोर्स लगाया नीचे गिराने में, प्रोपोर्शनल होगा आप जितनी तेजी से नीचे गिरोगे. मतलब आपके दोस्त ने अगर ज्यादा फोर्स लगाया आपको नीचे गिराने में, तो आप भी ज्यादा मोमेंटम से नीचे गिरोगे. यही कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, आप आराम से चल लो, आपके दोस्त ने एकदम से आपको धक्का दिया और आप नीचे गिरे स्टेयर से, तो एकदम से रेट ऑफ चेंज ऑफ इन मोमेंटम किसके साथ? टाइम के साथ. जब भी ऐसा दिख रहा है रेट ऑफ चेंज और जब कुछ नहीं दिया गया हो तो टाइम मान लेना, क्योंकि फिजिक्स में इसका मतलब टाइम होता है. तो अब जितने तेजी से नीचे गिरोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? आपके दोस्त ने जितना आप पे फोर्स लगाया, वो प्रोपोर्शन होगा जितनी मोमेंटम से आप नीचे गिरोगे. सो अब मैं एक फॉर्मूले को प्रूव करने जा रहा हूँ, जो कि होता है एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मैं इस फॉर्मूले को प्रूव करने जा रहा हूँ. सो इन फॉर्मूले को प्रूव करते हैं. सपोज दैट फॉर एग्जांपल अ बॉल जो कि रेस्ट पे है, अ बॉल जो कि चल रही है जिसका मोमेंटम है m1 इसी बॉल का, और v इनिशियल मोमेंटम क्या था? mv. इसका जो मोमेंटम हुआ v इनिशियल, और ये थोड़े समय बाद यहाँ पे आके रुक जाती है, इसकी सारी फोर्स खत्म हो जाती है और यहाँ पे आके रुक जाती है.
और अब इसका मास तो वही रहेगा जो बोन का और जो वो वेलोसिटी है, पहले क्या थी और अब क्या है। पहले तो वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, अब वो रुकी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो ये वेलोसिटी हो गई। अब वी फाइनल, ये वी इनिशियल जब वो चल रही थी और ये वी फाइनल जब वो रुक गई, ये होता है ये। अब निकालते हैं रेट ऑफ चेंज, मतलब डेल्टा पी, कितने चेंज आया आपके मोमेंटम में जब आप इनिशियल पे थे और जब आप फाइनल पे थे। तो ये निकलेगा आपका एम वन वी फाइनल माइनस एम वन वी इनिशियल, जो कि होगा आपका एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये हो गया एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये क्या हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, इस साइड बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन में रेट ऑफ चेंज इन टाइम। ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, वो बहुत कुछ समय बाद आगे पहुंची, कुछ समय बाद आगे पहुंची। तो ये इससे, तो ये डेल्टा पी क्या आया था हमारा, डेल्टा पी आया था हमारा इक्वली प्रोपोर्शन आया था हमारा एम वन वी फाइनल माइनस एम वन वी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी, जो कि होता है आपका फोर्स टू एज इट इज प्रोपोर्शनल है। अब ये क्या आया आपका एम वन, बार कॉमन आउट हो रही है, वी एफ माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी। अब मैं वी एफ माइनस वी आई को डेल्टा भी लिख सकता हूँ क्योंकि चेंज आया है। तो ये होगा आपका एम वन डेल्टा डेल्टा वी, हो गया आपका डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब रिमेम्बर डेट, अब याद कीजिए ए क्या होता है, ये होता है डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन था आपका डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। तो ये क्या बन रहा आपका, ये बन रहा आपका ए। तो इस वाली टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल एम ए से। अब हम धीरे धीरे इस पे आ रहे हैं, ये इज इक्वल, अब ये ए प्रोपोर्शनल हो गया। सो अब ये प्रोपोर्शनल हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हमें इक्वल करना है इसे, अब हमें इसे इक्वल करना है। तो ये होगा आपका, हमें इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जोड़नी होगी, कोई कांस्टेंट टर्म। तो ये होगा के मास एक्सेलरेशन, पर यहाँ पे तो के है नहीं। सो ये किसके नियम है, न्यूटन के नियम है। तो न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन निकाल ली, मतलब उस टाइम पे जब न्यूटन ने फोर्स की डेफिनेशन निकाल ली थी, उस टाइम पे फोर्स की कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं थी। फोर्स की डेफिनेशन बाद में ये आई थी, मास इनटू एक्सेलरेशन, उस टाइम पे उसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी। तो न्यूटन ने एक ऐसी चीज निकाली थी जिसका इससे पहले किसी ने कुछ करा ही नहीं था। तो उनके पास ये कंट्रोल था कि वो इस के की वैल्यू कुछ भी रखे। उन्होंने के की वैल्यू क्या रखी, उन्होंने के की वैल्यू रख दी 1, ताकि आसान रहे। उन्होंने इस के की वैल्यू 1 रख दी। तो ये 1 रख दी, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगी तो वही आता है। तो अभी यही इक्वल हो चुका था इसके मास इंटू एक्सिलरेशन के। उन्होंने के की वैल्यू 1 रख दी अपने कंट्रोल से, क्योंकि उनके पास कंट्रोल था कि वो के की वैल्यू कुछ भी रख सकते थे। वो चाहे तो इसको 2 रख सकते, 3 रख सकते थे, तो उन्होंने अपने मन से इसकी वैल्यू 1 रखी ताकि सिंपल हो जाए। और फिर आया ये निकल के कि
force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. इन्होंने k की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख दी, तो इन्होंने सिंपल करने के लिए उसकी वैल्यू 1 रख दी, तो ये आ गया आपका k की वैल्यू 1। और उसके बाद यहाँ से चल के ये प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल कैसे, जब k की वैल्यू रखी गई 1, वो इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते थे, फिर उन्होंने हमारी सिंप्लिसिटी के लिए 1 रखी। तो अब ये प्रूव हो चुका है कि F is equal to mass into acceleration प्रूव हो चुका न्यूटन के इस सेकंड लॉ के नियम के अनुसार। अब दूसरे स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल, ये बहुत काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनर्शियल फ्रेम, ये बहुत इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय इट्स मास। इस पूरी टर्म का मतलब है बस कि योग आपका a इज इक्वल टू एफ बॉन्ड में m, क्योंकि f क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया फोर्स बॉन्ड में m, तो ये आ गया इसका मीनिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि इनिशियल फ्रेम, मतलब कि आप ये f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला जो ये फॉर्मूला है ये कब यूज कर सकते हैं, जब फ्रेम इनिशियल हो, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे कभी भी ये नियम लागू नहीं होता, ये सिर्फ कब लागू होता है, लागू होता है सिर्फ ओनली ऑन इनर्शियल फ्रेम, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पे लागू होता है। अभी इनर्शियल और इनर्शियल क्या है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बताते क्या है, इस लाइन का मतलब, ये पूरी लाइन का मतलब ये एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब बताते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है, इनर्शियल इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। फॉर एग्जांपल कि आप अब किसी बस में बैठे हुए हो, आप किसी बस में बैठे हुए हो और इसमें भी, इस वाली में भी आप किसी बस में बैठे हुए हो, नॉन इनर्शियल में भी, आप किसी बस में बैठे हुए हो, आप वो बस रेस्ट पे है, रेस्ट पे वो बस, फिर वो बस मूव करती है, दोनों में वो रेस्ट पे, फिर वो बस मूव करती है एक एक्सेलरेशन से, जो कि एक्सेलरेशन आपका 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें भी मूव करते हो 10 किलोमीटर पर आवर। पर इनर्शियल में क्या होगा, इनर्शियल में मतलब कि एक बार उसको एक्सेलरेशन मिलेगा 10 किलोमीटर पर आवर, अब वो उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ती रहेगी। मतलब इनर्शियल क्या होता है, जिसमें एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, इनर्शियल एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, इनर्शियल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, वो एक बार 10 किलोमीटर पर आगे स्पीड से चल गई, अब इसके बाद इसकी ना एक्सेलरेशन घटेगी ना बढ़ेगी, ये उसी स्पीड से चलती रहेगी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसी स्पीड से चलती रहेगी, उसी स्पीड से चलती रहेगी, तब इस पे फोर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन नॉन इनर्शियल में वो एक बार 10 किलोमीटर पर चलने के बाद उसकी एक्सेलरेशन घट भी रही है, बढ़ भी रही है, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है, इन इन नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, इनर्शियल मतलब जिसमें एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट हो,
एक यूनिफॉर्म स्पीड से हो, मतलब एक्सेलरेशन एक बार हो गया उसके बाद उसी यूनिफॉर्म स्पीड पे चलता रहेगा, फर्स्ट लॉ के अनुसार वो बदलेगा नहीं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स पे लागू ना हो। और सेकंड लॉ में वो एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वो नॉन कॉन्स्टेंट रहेगा। और इनर्शियल वाली में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब एक बार बढ़ गया उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, उसी स्पीड से चलता रहेगा। तब उसमें वो तब उसमें ये एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लागू होगा, वो 10 किलोमीटर पर आवर चलने के बाद 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा। ये इनिशियल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन नहीं उसकी स्पीड, सॉरी स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, स्पीड नॉट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसका अपने आप ही बढ़ती रहेगी स्पीड, स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट। इसमें एक बार एक्सेलरेट हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद ये नहीं होगा, ये उसी स्पीड से चलता रहेगा। और नॉन इनर्शियल में एक बार एक्सेलरेट हो गया उसके बाद ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये किस पे, ये वाला किस पे लागू होता है, इस वाले पे ये लागू नहीं होता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।